अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद सूफी अली। आज हम बनाने जा रहे हैं इमली की चटनी। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये देखिए, मैंने इमली का पेस्ट तैयार किया। पेस्ट क्या मतलब, पानी जैसा है पूरा। मैंने ये 750 ग्राम इमली थी हमारे पास, इसमें मैंने 1 लीटर पानी डाला था। तो इसको करना कैसे है मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने सोक करके 3-4 घंटे के लिए आप रख दें इसे। इसको इस तरह से रख के और अच्छी तरह से मैश कर लें। ये वाली इमली थी हमारे पास, इसमें ये भी है सीड है। तो आप इसको अच्छी तरह से मैश करके और फिर आपके पास जो जाली हो, छन्नी हो, उससे छान के एक तरह तैयार कर लें। तो चलिए अब बनाते हैं। ये हमारे पास जाली है, अब हम आपको इसमें करके बताते हैं। इस तरह से डालेंगे इसको और अच्छी तरह से वो कर देंगे। देखिए इस तरह से, ये पतला रहे कोई बात नहीं, आप वो पक जाएगा, पकने से थिक हो जाएगा। इस तरह से ये सारा हमने छान के पानी निकाल लिया। तो तकरीबन ये पूरा पानी इमली का 2 लीटर हो गया। आप थोड़ा बनाना चाहें थोड़ी बना लें, मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मुझे स्टोर करनी है। रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ, बना के रख लेते हैं, 2-3 महीने चल जाती है। तो फिर मैं आपको ये भी बताऊँगी आपको स्टोर कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस बताते हैं। चलिए ये देखते हैं, हमारे पास तकरीबन 2 लीटर ये इमली का पानी तैयार। इसे देखिए हमेशा इस तरह से डालना ताकि जितना इसमें नीचे कंकड़ या कुछ हो, कचरा, तो नीचे रह जाए। ये देखिए ये काला काला नीचे रह गया इसमें। तो इस तरह से डालें। अब ये स्लो फ्लेम पे, मतलब हाई फ्लेम पे ये बनेगा। तब तक हम आपको बताते हैं हमारे पास इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। ये हमारे पास 1 kg जैगरी है, गुड़ है, तो मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए इसके। ये हमारे पास 1 teaspoon चिली पाउडर, 2 teaspoon चाट मसाला, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर, ये 1 teaspoon है जीरा, रोस्टेड जीरा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट है 1 teaspoon और वाइट सॉल्ट है 1/2 teaspoon। तो ये दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही हो, अलग अलग हो, ठीक है। तो चलिए अभी ये बॉयल हो जाए, फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए इसमें बॉयल हो गया, ये उबाल आने लगा है। अब इसमें हम अपने सारे मसाले डाल देंगे इस तरह से और इसको चलाते रहेंगे। सारे मसाले डालेंगे इसमें। अगर आप चाट मसाला डालना चाहते हैं तो डालें, और जीरा पाउडर है जो, वो अगर नहीं है, नहीं डालना है तो नो प्रॉब्लम, ये चाट मसाला से कवर कर लेगा, तो ये ठीक है। अभी ये इसको हम 5 मिनट पकाएंगे, फिर इसके बाद हम इसमें जैगरी ऐड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं और ये मसाला अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है, पक गया है। अब इसमें हम अपना ये जैगरी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा, इस तरह से डाल देंगे। और एकदम स्लो गैस रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे इसको धीरे धीरे मेल्ट होने देंगे। तो इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए और अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। बस बीच में 1-2 बार चेक करते रहेंगे, वैसे तो चिपकेगा नहीं, बट फिर भी आप चेक करते रहिए 1-2 बार। वैसे 10 मिनट में, ये 10 मिनट में एटलीस्ट मिक्स हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। ये देखिए इसमें से हम ये क्लीन करेंगे इस तरह से। आपके पास कोई छन्नी है तो आप उसमें से इस तरह से निकाल सकते हैं ऊपर से। अदरवाइज अगर ये नहीं निकालना है तो आप इसमें 2 लेमन के जूस निकाल के 2 लेमन डाल दें आप, तो इसमें ये ट्रांसपेरेंट लगेगी। अभी मैं 2 काम करूंगी, ये निकालूंगी भी और इसमें मैं लेमन जूस भी ऐड करूंगी। चलिए ये देखिए इसमें हम ऐड करेंगे लेमन इस तरह से, ये फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और इसका कलर भी अच्छा आएगा। ये मैंने इसमें 2 लेमन डाले। इसको आप कम बनाना चाहें तो आप कम बना सकते हैं, उसी हिसाब से आप मेजरमेंट कर लें कि कितना आप अभी डाला है, कितना उसका हाफ, अगर हाफ बनाना है तो हाफ। वैसे ये एक साथ इतना बना लो तो एक बार ही रहता है, फिर फुर्सत हो जाती है और इसको आप स्टोर
कर सकते हैं। आप मेरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं 6 मंथ तक के लिए। ये देखिए हमारी चटनी रेडी है, इमली की खट्टी मीठी सी, और इसका टेक्सचर देखिए इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये अभी हम जब रखेंगे ठंडी होगी तो ये जम जाएगी। मैं आपको इसमें प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से, ना ही ज्यादा पतली हो ना ही थिक हो एकदम, क्योंकि ये अभी जम जाएगी पूरी। तो इस तरह से आपको इसका टेक्सचर लाना है और ये एकदम रेडी। पूरे घर में आप यकीन करें खुशबू आ रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी सी रेडी हो गई है। तो चलिए मैं इसे एक बाउल में निकालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह हमारी चटनी रेडी है, बहुत अच्छी, बहुत यम्मी सी, खट्टी मीठी सी, बहुत अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो आप लोग ये जरूर ट्राई करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये आप दही बड़े के साथ खा सकते हैं, चाट पे डाल के खा सकते हैं, भेल बनाए उसमें यूज करें, काफी सारी चीजों में आप इसे यूज कर सकते हैं और आप इसे स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए ये अभी हम बताते हैं कि आपको इसको स्टोर कैसे करना है। ये देखिए मैंने इसे स्टोर कर लिया है, इसमें रख लिया है। ये ग्लास की बोतल है हमारे पास, इसको मैंने इसमें पैक करके रख लिया। अब इसे हम फ्रीजर में रख देंगे, ये हमारा 1 मंथ तक के चलेगा। तो ये आप लोग जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें।